विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बॉस ये शब्द है उनके, जिनके काम को, जिनकी कही हर बात को विपक्षी दल भी मानते हैं। उन्हीं केंद्रीय मंत्री साहब ने शिवराज सरकार द्वारा किए गए विकास के बेहतरीन कामकाज को लेकर न सिर्फ जमकर तारीफ की बल्कि भैया एएमपी को विकास के पावर स्टेशन की संज्ञा भी दे डाली। जरा आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है, बीमारू राज्य के नाम को नाम बदलकर देश का एक विकसनशील ग्रोथ इंजन, विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। गडकरी यही नहीं था मैं साहब, बल्कि 7 बार कृषि में अव्वल रहने के लिए भी सराहा, तो सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था का भी जमकर जिक्र किया। कहा कि वाकई मध्य प्रदेश में उत्पादन भी बढ़ा है और गांव समृद्ध और संपन्न हुए। कि देश के इतिहास में अगर कृषि क्षेत्र में पिछले 7 साल से 7 बार प्रथम क्रमांक अगर किसी को मिला है तो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है और जिसके कारण गांव समृद्ध और संपन्न बने हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में बदले हालात का पूरा श्रेय गडकरी ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही दिया। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे थे। जाहिर है भैया, गडकरी के इन शब्दों ने जहां भाजपाइयों को बल्लियां उछाल दिया होगा तो विपक्ष को अब क्या ही बोला जाए, समझदार को इशारा ही काफी है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।